बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप, और मोहम्मद नईम और हसन मिर्ज़ा आए हैं ओपन के लिए। आज का बड़ा मैच है अफगानिस्तान के लिए और उनके साथ बांग्लादेश, दोनों अच्छी साइड हैं। फजल अक फरूकी जो कि बॉलिंग अटैक पे आए हैं और बॉल खिलाई, बड़ा अच्छा प्लेस किया बैट्समैन ने बॉल को सीधा पॉइंट की दिशा में और कोई रन्स नहीं। ये है कि अफगानिस्तान की अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास। वो यहाँ पे फजल अक फरूकी की दूसरी बॉल पे चौका लगाया हसन मिर्ज़ा ने, मोहम्मद नईम ने बड़ा अच्छा चौका लगाया। और यहाँ पे फजल अक फरूकी जो कि अच्छे आज साबित नहीं हुए, लेग बाय बाय के उन्होंने बड़े रन्स, और साथ में देख सकते हैं जी उनने पंजा भी दे दिया है और सीधा वाइड। और दूसरा ओवर अफगानिस्तान जो कि स्पिनर्स की वजह से जाना जाता है, मुजीब आए हैं। मुजीब भी बड़े अच्छे स्पिन बॉलर हैं। बात की जाए अगर फजल अक फरूकी की तो 3.4 ओवर में 28 स्कोर दे चुके हैं जो कि आज अच्छे साबित नहीं हो रहे। बड़ा अच्छा स्विंग है उनके पास लेकिन आज उस तरह बॉल नहीं करवा रहे। ये आप देख सकते हैं गुलबदीन नायब बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मीडियम पेस बॉलर हैं, ये भी आज इनको भी आजमाया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश आज क्या करता है, स्कोर कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास नईम और मिर्ज़ा बड़े अच्छे दोनों बैट्समैन हैं जो कि नईम बिल आखिर मुजीब की बॉल पे बोल्ड हुए और वापस पवेलियन। उसके बाद हरी डॉय आए हैं लेकिन होपफुली अच्छे बैट्समैन हैं, 44 की एवरेज है, लेकिन ये भी स्लिप में कैच दे बैठे। और यूं गुलबदीन की बॉल पे इब्राहिम ने उनका कैच लिया, बड़ा अच्छा उनका कैच लिया इब्राहिम ने। और युशांटो और मिर्ज़ा इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो चुकी है। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं मिडिल आर्डर के अगर देखा जाए, युशांटो और मिर्ज़ा दोनों बहुत ही आला बैट्समैन हैं। ये पार्टनरशिप अब यहाँ पे चाहिए बांग्लादेश को अपना एक बड़ा स्कोर करने के लिए, बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। अभी 24 बॉलों पे 19 रन बनाए हैं और 37 बॉल 32 पे खेल रहे हैं युशांटो और 55 बॉल 34 पे मिर्ज़ा खेल रहे हैं। यू 51-60 बॉल्स पार्टनरशिप हो चुकी है। 209/236 ओवर्स।